भाई जब लंदन आते हैं तो सबसे पहले लोग ये पिक्चर क्लिक कराते हैं जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, जो टेलीफोन बूथ है और उसके सामने है बिग बैन। तो ट्राई करते हैं अगर अच्छा फोटो आता है। सो हाय हेलो इज़ फ्रॉम अल्जीरिया अल्जीरिया एंड भाई साहब भी आ जाए और मैं भी आया हूँ, बट इज स्टेइंग फॉर 5 days और मैं फॉर 2 days, देखते हैं क्या क्या स्टे फॉर जस्ट 2 days। एक बार आपको नाइट का व्यू दिखा देता हूँ। मैं स्पेशली यहाँ पे रुका था कि नाइट का एक बार व्यू देखें। ये नाइट में ये मस्त ऐसा दिखता है, ये बिग बैन टावर और ये लंदन आए। जैसे और अंधेरा होगा वैसे ही इसकी लाइटिंग बढ़ती जाओगी। सो ये स्टैनफोर्ड जो सिटी बस स्टेशन है, यहाँ से आपको डायरेक्टली जो है एयरपोर्ट के लिए मिल जाएगी। अभी मैं एयरपोर्ट से ही आ रहा हूँ तो 15 यूरोज पे करना पड़ा, और एवरी 30 मिनट से यहाँ सर्विस चलती है फॉर एयरपोर्ट। सो 15 यूरोज आपको यहाँ से पे, नॉट 15 यूरोज, 15 बॉन्ड पे करना पड़ेगा फॉर एयरपोर्ट। अब चलते हैं मेट्रो और वहाँ से मुझे एक बार देखना है ऑयस्टर कार्ड लेना है या फिर टूरिस्ट कार्ड लेना है, वो एक बार चेक करके फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पे कलर्स इंडिकेट किया हुआ है, अंडरग्राउंड जो है वो रेड कलर में, ओवरग्राउंड जो है वो ऑरेंज में है। सो अंडरग्राउंड जो है वो बेसिकली कि ज़मीन के अंदर है, ओवरग्राउंड मतलब रोड पे जो चल रही है। एलिजाबेथ भी लाइन जो है इसका, आई गेस ये भी रोड का है बट उसका डेस्टिनेशन डिफरेंट होगा, और एक DLR है, और सबसे नीचे जो है वो रेड जो है ये है ट्रेन की लाइन। इसमें देखो आप, एक तो ये बाय डेस्टिनेशन है, मान लो आपको जाना है एक लोकेशन वाटरलू है, WATER वाटरलू, ठीक है। ये मैंने वाटरलू डाल दिया। अब मुझे अगर सिंगल जर्नी पे देखता हूँ, नो टिकट्स अवेलेबल, तो वाटरलू WATER लंदन वाटरलू में सर्च करता हूँ सिंगल जर्नी, तो मुझे 6.7 पाउंड पे करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे कोई गाइड पर जाता हूँ, ठीक है, तो ऑयस्टर कार्ड है ये नो ऑयस्टर कार्ड और कॉन्टैक्टलेस है, विथ ऑयस्टर कॉन्टैक्टलेस है, ठीक है। अब सिंगल जर्नी अगर, और सिंगल जर्नी या फिर रिटर्न आज के लिए करना है तो पेपर टिकट लो आप। मोर देन 2 जर्नी आज ही करना है तो डी ट्रैवल कार्ड लो, पेपर कार्ड होगा जो पेपर टिकट होगा। मल्टीपल जर्नी ओवर 2 डेज और मोर करना है तो न्यू ऑयस्टर कार्ड प्लस पे एज यू गो, ये रिकमेंड करता है ये। और मल्टीपल जर्नी ओवर 5 डेज तो न्यू ऑयस्टर कार्ड प्लस 7 डेज और 7 डे ट्रैवल कार्ड और 7 डे, तो मल्टीपल जर्नी हमें करनी है तो मल्टीपल जर्नी ओवर 2 डेज तो न्यू ऑयस्टर कार्ड। और एक लेते हैं, कंफर्म करते हैं, मुझे लेना है जुबली लाइन, मैंने ले लिया है ऑयस्टर कार्ड। इतना ही? और ऑयस्टर मुझे 7 पाउंड का पड़ा है जो कि नॉन रिफंडेबल है, और 5 पाउंड का मैंने टॉपअप किया है। अब देखते हैं कितना कटता है, बट जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि मैक्सिमम 15 पाउंड से एक दिन से ज़्यादा नहीं कटेगा। आप कितना भी ट्रैवल कर लो, कितना भी टैप कर लो, 15 पाउंड से ज़्यादा नहीं कटेगा। और अभी तो मैंने जर्नी शुरू की है। बॉस हमेशा जो है ना राइट साइड में खड़े होना है, लेफ्ट साइड से लोग जाएंगे, अदरवाइज़ क्या होगा कि लेफ्ट साइड रहोगे तो धक्के मार के फिर निकलेंगे ये, तो बेटर है लंदन में जब आ रहे हो तो जब भी इस पे हो तो राइट साइड पे ही खड़ा रहना। जैसे भी देखो राइट साइड में सारे पड़े हैं। यहाँ से बाहर निकलना है बस पे, आगे मिलेगी वाटरलू एंड सिटी लाइन बस आगे से। यहाँ जब किसी आप न्यू कंट्री में जाते हो तो सबसे टफ होता है ट्रांसपोर्टेशन को समझना, कहाँ से कैसे जाना है और क्या बेस्ट वे है और चिपेस्ट वे है टू रीच एनी डेस्टिनेशन इन द कंट्री। तो मैंने कम से कम 2 घंटे लगाए इसको समझते हुए, और बाद में मैंने ये डिसाइड किया कि ऑयस्टर कार्ड लेते हैं, और ऑयस्टर से आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो, जस्ट आपको जाना है तो टैप करना है, और मैक्सिमम जो है 15 पाउंड से ऊपर खर्च नहीं होगा। आप एक दिन में कितना भी ट्रैवल कर लो 15 पाउंड से ऊपर नहीं जाएगा। बट अगर वही कार्डलेस जाते हो और अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप टैप करते हो तो बहुत खर्च हो सकता है, तो बेटर है कि आप उसका खर्च ना करें और आप सीधा जाओ ऑयस्टर कार्ड यूज़ कर। यहाँ से मैं निकलूँगा और फिर मुझे बस लेनी है, बस लेनी है शायद वाटरलू 139 है वो, बट मुझे लेनी है 59 स्ट्रीट एम हिल के लिए। तो मैंने रूम चेकिंग जो 1 बजे कर लिया था, क्योंकि मैं 1 बजे पहुँच गया था, 3 बजे चेकिंग डाउन था, तो मैं गया वहाँ पे तो रिसेप्शन ने बोला कि ओके यू कैन चेक इन। तो चेक इन करके मैं 10-15 मिनट में फ्रेश होया और उसके बाद मस्त सो गया था। अभी जो यहाँ के लोकल टाइम हो रहे हैं 6 बज रहे हैं, 5 घंटे में सोया, और अभी चलते हैं लंगर खाने। गुरुद्वारा जा रहा हूँ, यहाँ से 55 मिनट्स दिखा रहा है मुझे, एक बस लेनी होगी और वहाँ से थोड़ा वॉक करना पड़ेगा और हम पहुँच जाएंगे गुरुद्वारा। 7:30 क्लोजिंग टाइम है
और टाइम के अकॉर्डिंग मैं पहुँचूँगा 7 बजे। तो देखते हैं, मैंने रिव्यू रिपोर्ट पढ़ा था वहाँ पे, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है और लंगर भी है, तो चलते हैं। कम से कम 10 से 12 दिन हो गए इंडियन फूड खाए हुए, तो आज खाएंगे लंगर में। ये जो बस नंबर है 148 जिससे मुझे जाना है, 24 आवर्स चलती है, डेली सर्विस है, और ये 148 का रूट है। सारे रूट इसमें मेंशन नहीं होते, जो मेजर है वो मेंशन होता है, बिकॉज बहुत ही लंबी जर्नी होती है इसकी। और अभी ये 10 मिनट लेट है, तो अभी 10 मिनट लगेगा मुझे आने में यहाँ पे, उसे आने में यहाँ पे। बाकी ये लंदन का रेड बस। और ये सामने से दिखता है ये आपका लंदन आई, जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ वही से पास में है, या वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मैं इस ऊपर वाले सीट पर बैठा हूँ और सबसे आगे बैठा हूँ, यहाँ से जो व्यू है ना लंदन आई का मस्त देखता है यहाँ। सो कभी भी अगर आप ये बस रेड वाले बस में चढ़ रहे हो तो ट्राई करने की ऊपर आओ, और ऊपर में सबसे आगे वाली जो सीट है, जैसे ये सीट है आगे सबसे आगे जो है वो आप लेना, उसके बाद लेफ्ट हैंड मस्त व्यू देखता है। ये लंदन का ट्रैफिक बॉस ये दिल्ली से बहुत ख़राब है, हर जगह पे रेड लाइट है, हर 100 मीटर से मैक्सिमम 200 मीटर पे आपको रेड लाइट दिखेगी। तो मैं बस में कम से कम आधे घंटे से बैठा हूँ और अभी सिर्फ मुझे लगता है 5 या 6 स्टॉपेज पूरा हुआ है, हर जगह रेड लाइट है, इतना ट्रैफिक है, इतना गंदा ट्रैफिक है ना बॉस, लिटरली मतलब दिल्ली में जो ट्रैफिक है वो बैठा रहता है, ये मूवी नहीं करती है गाड़ी आ रही है, बहुत ट्रैफिक, इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे पीक आवर्स है, पीक आवर्स में नहीं निकलना चाहिए, और मेट्रो बस बस अवॉइड करना चाहिए, और मेट्रो और ट्रेन लेना चाहिए। यार ये गुरुद्वारा जो है ना 7:30 बजे बंद हो जाता है, और अभी जो टाइम हो रहा है 7:07 हो रहा है, पता नहीं मुझे अभी भी दिख रहा है कि यार पता नहीं 10-15 मिनट मुझे लगेगा पहुँचने पर, ऐसा ना हो कि उस टाइम तक बंद हो जाए। मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना कोशिश कर सकते हैं कर रहे हैं पहुँचने का टाइम पे। इतना गंदा ट्रैफिक है ना यार यहाँ पे, मतलब हर जगह पे स्टॉपेज है, हर 200 मीटर पे स्टॉपेज है। और ये गुरुद्वारे का नाम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, गुरुद्वारा जो है वो है खालसा चथ ब्रिटिश, 1908 में बना था ये। माता साहिब देवा जी दरबार वाले, यहाँ से आप ये कपड़े ले सकते हैं, और सर ढकना है, सर ढकना कंपलसरी होता है गुरुद्वारे में। अब मैं शूज़ पे खोला ही था, सॉक्स भी खोल देता हूँ, अब चलते हैं लंगर वाले एरिया में। मैं टाइम पे पहुँच गया था, और ये 7:30 की जगह पे 8 बजे तक खुला रहता है, उसमें डला हुआ था गूगल में भी 7:30, बट 7:30 नहीं है 8 बजे तक है। अभी चलते हैं लगभग पाते नहीं जब और अंदर चलते भाई साहब। ये लंदन के गुरुद्वारा रखाना है, रोटी चावल और दाल राजमा और सैलड, तब इंडिया खाना देख के ना मज़ा आ गया, अब मैं खाऊँ बहुत भूख लगी है। गुरुद्वारे पहुँचा और टाइम से पहुँचा हूँ, और ये 8 बजे तक खुला रहे। बंद होने का टाइम हो गया, 7:30 बजे बंद हो जाता है। गुरुद्वारे से आ गए हम, अब जा रहे हैं सेम उसी बस में जाएंगे 148 में, और जाना है लंदन आई, वो सेंटर पॉइंट है, वहाँ से आपका बिग बैन भी है, वहीं से आपका लंदन ब्रिज भी है, और वहीं पर मेरा हॉस्टल पास में है, तो एक बस मुझे लेनी है फिर वहाँ पहुँचेंगे। और अभी तो खैर क्लोज हो गया होगा, बट इवनिंग का जो व्यू होता है गाइस वो मस्त होता है। मैं सारा कुछ आपको बताऊँगा, टिकट का क्या कॉस्ट है और कब मिलेगी, एक बार देखते हैं, बस अभी आई नहीं है। सब फिर को यही सैंक 140 गुड पवेल कैसे, और इसके नेक्स्ट में ही गुरुद्वारा है। ये गुरुद्वारा मॉर्निंग में 6 बजे खुल जाता है डेली, और शाम को 7:30 बजे बंद हो जाता है, बट अगर आपको लंगर खाना है तो आपको 7:30-7:45 तक चलता है वो, बट जो प्रेयर जहाँ पे हम जाते हैं अंदर वो 7:30 बजे बंद हो जाता है। दूसरा ये कि वेंसडे और संडे को अलग से रश होता है, और कुछ जैसे पता नहीं कुछ बोला जाता है, कुछ जैसे पूजा बोलते हैं वैसे होता है, वेंसडे और संडे को ज़्यादा होता है। शाम को 3:30 बजे से 7 बजे तक होता है ये 2 दिन, बाकी डेली तो होता ही है, बट वेंसडे और संडे को ज़्यादा होता है।
सो अभी मैं पहुंच गया हूँ वेस्टमिंस्टर एबे। वैसे अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो इसका टिकट का कॉस्ट है 27 pounds, बट मुझे नहीं लगता कि आपको टिकट लेने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये व्यू पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से आप मस्त आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हो और ये आपका व्यू आएगा। मैंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए और हिस्टोरिकल है बेसिकली, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 27 pounds स्पेंड करना चाहिए अंदर जाने के लिए। और अभी ये क्लोज हो गया है, क्लोज्ड है 6 PM आई थिंक क्लोज हो जाता है ये, बट जो व्यू बार्स है वो व्यू आई थिंक अंदर से नहीं आएगा। वो इनकेस अगर आपको टिकट लेना है तो आप ले सकते हो 27 pounds का, बट जो व्यू है वो सामने है, उसके सामने ही आपका ये बिग फैन और उसके जस्ट पीछे है लंदन लाइट। वेलकम टू वेस्टमिंस्टर एबे। ये बिग बैन जो क्लॉक टावर है इसका ये एंट्रेंस है, बट विस्टर एंट्रेंस, क्रॉमवेल ग्रीन, पियर्स एंट्रेंस, ब्लैक रॉड्स एजुकेशन सेंटर। सो बॉस अगर आपको एक या दो दिन मैक्सिमम आप यहाँ पे रह रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ट प्लेस जो है आप वाटरलू के पास रुको, बिकॉज वाटरलू से क्या है ना पास पे सब कुछ है। ये बिग बैन जो आप सामने देख रहे हो, उसके बाद एक और जो यहाँ पे एक और जो मिनिस्ट्री दिखाया था वो, और ये आपका आगे जो आ जाएगा वो आ जाएगा ये द फेमस लंदन आई। ये पूरा आसपास में, इवन कि आपको कुछ बस भी नहीं लेना है, आप डायरेक्टली जो है पैदल भी आ सकते हो, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। बट अगर आप साउथ वेस्ट साइड रुकोगे तो बहुत आपको चलना पड़ेगा, आपको बस लेनी पड़ेगी, ट्रेन लेनी पड़ेगी, तो बेटर है वाटरलू साइड रुको, जो जहाँ पर मैं रुका हूँ। मैं डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कहाँ पर है ये, और बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही शांत जगह है, वहाँ पर लोग और ये आप लोकल एक्सप्लोर करो। ये देखो ये जैसे बिग बैन है और ये सामने आ गया लंदन आई, ये सारे जो है आसपास में ही है, तो बेटर है कि आप यहीं पे रुको। आप मैक्सिमम अगर दो दिन में रुक गए ना तो दो दिन में बहुत है, आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। फर्स्ट डे मेरे ख्याल से अगर एक दिन में आपके पास है आप एक दिन में भी एक्सप्लोर कर सकते हो, आप दोपहर में निकल जाओ और पूरे ये सारी जगह जो है एक दिन में ही सारा एक्सप्लोर कर सकते हो। इतना बढ़िया जो ब्रिज है, इस ब्रिज का नाम है वेस्टमिंस्टर ब्रिज, और ये आपके सामने लंदन आए। अमेजिंग प्लेस है बॉस, एक ही जगह पे सारा कुछ। और ये क्रूज़ का ये अगर आप मज़ा लेना है तो आप लंदन आई प्लस ये दोनों कॉम्बिनेशन कर सकते हो। आई थिंक 40 या 45 pounds में आता है सारा इंक्लूड करके। भाई जब लंदन आते हैं तो सबसे पहले लोग ये पिक्चर क्लिक कराते हैं, जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है जो टेलीफोन बूथ है और उसके सामने ये बिग फैन। तो ट्राई करते हैं अगर अच्छा फोटो आता है। सो हाई guys, hello. He is from Algeria. Algeria, yeah. And bhai sahab bhi aaj aaye aur main bhi aaya hu. But he is staying for 5 days. Aur main for 2 days. Dekhte hain kya kya. I don't know why he stay for just 2 days. Because I think this is a good spot. Yeah. Ek baar aapko night ka view dikha deta hu. Main specially yahan pe ruka tha ki night ka ek baar view dekhen. Ye night mein ye mast aisa dikhta hai. Ye Big Ben Tower. Aur ye London Eye. जैसे ही और अंधेरा होगा वैसे ही इसकी लाइटिंग बढ़ती जाएगी। और ये होटल है नेक्स्ट में बिग बैन, ये रिवर्स क्रूज एरिया और सामने ही हो। वो मेजर जो मेरा अट्रैक्शन का था वो आज कंप्लीट हो गया है, आज ही मैं आया था मॉर्निंग में और आज ही मैंने ये सारी चीज़ें कवर कर ली, बिकॉज ये सेंटर पॉइंट पे आ रहा है और जहाँ पे मैंने हॉस्टल बुक किया था वो एक ही एरिया पे है। कल का मेरा प्लान कुछ और है, एक यहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा उस बिल्डिंग का नाम क्या है, टावर का नाम क्या है, मुझे कल वहाँ जाना है और सारा कुछ आपको बताएंगे। ये जो बिग बैन का जो है, नॉट बिग बैन, ये बेसिकली जो लंदन आई है इसका जो टिकट है अभी फुल हो चुका है, बट इसका जो कॉस्ट है 35 pounds है। आप इसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन में आपको क्या है कि 3 दिन के बाद का दिखा रहे हैं, अभी जो करेंटली अगर आज का लोगे तो नहीं मिलेगा, कल का भी नहीं मिलेगा, 3 दिन बाद का मिल रहा है। तो आप वेल एडवांस बुक करके चले, आप सोचोगे कि सेम डे आए और सेम डे मिल जाए वो डिफ़िकल्ट है। हो सकता है फिज़िकल टिकट आपको यहाँ जाने पर मिल सकता है, बट लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। तो बेटर है अगर आप आ रहे हो आपको कन्फर्म है डेट तो आप वेल एडवांस में बुक कर लो आप, और उसके साथ साथ आप ये क्रूज़ का भी ले सकते हो, कॉम्बोज पैक ले सकते हो इसका और ये साथ में ले सकते हो।